द ग्रैंड पैलेस, बनाए अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ साईं वाटिका के पास भोपाल रोड का घर। मंडला जिले के महाराजपुर थाना अंतर्गत पद्मी चौराहे पर एक अज्ञात ट्रक के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए टक्कर मार दी। नेशनल हाईवे 30 पर हुए हादसे में बाइक सवार तीन युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। ग्वालियर के डबरा चिनौर रोड पर तीन दोस्तों को रेत से भरी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी। एक युवक की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। तीसरे युवक को गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर किया गया है। इंदौर में कोरोना कर्फ्यू के बावजूद भी मल्हारगंज थाना क्षेत्र में देर शाम क्रिकेट खेलते समय दो युवकों में विवाद हो गया, जो इतना बड़ा कि एक युवक ने दूसरे युवक पर बैट से हमला कर दिया। घायल को निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। गुना जिले के धरनावदा थाना क्षेत्र में एक बस हादसे का शिकार हो गई, जिसमें तीन यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। गुजरात से कानपुर की ओर जा रही यात्री बस का गोदार घाटी पर एक्सीडेंट हुआ था। ये बस प्याज से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली में जा भिड़ी। सतना रेलवे स्टेशन की जीआरपी चौकी पुलिस ने मुंबई से आए व्यापारी के बैग से 55 लाख रुपए का सोना, 5 लाख रुपए नगद और चांदी के गुलदस्ते बरामद किए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार की देर शाम आरक्षकों को एक यात्री पर संदेह हुआ, उसे रोकते हुए पूछताछ की गई, साथ ही बैग को जांचा तो उसमें गहने निकले। इतनी मात्रा में सोना और नकदी देख आरक्षकों के होश उड़ गए। तुरंत यात्री को चौकी लाकर बारीकी से जांच की गई। दमोह विधानसभा 55 उपचुनाव की मतदान की तारीख नजदीक आते देख कांग्रेस और भाजपा ने जीत के लिए पूरा जोर लगाना शुरू कर दिया है। अप्रैल के 13 दिनों में दमोह में कोरोना के 440 मरीज मिल चुके हैं। इसके बाद की रैली सभाओं में भीड़ जुटाई जा रही है। बुधवार को पूर्व सीएम कमलनाथ ने दमोह में कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन के समर्थन में रोड शो निकाला, जहां कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ी। मुरैना रेलवे स्टेशन पर उस समय बड़ा हादसा होते बच गया, जब ग्वालियर की तरफ से आ रही मालगाड़ी के दो डिब्बे पटरी से उतर गए। घटना बुधवार दोपहर की है। जैसे ही डिब्बे उतरने की खबर झांसी मंडल के अधिकारियों को लगी, तो वो तुरंत मुरैना के लिए रवाना हो गए। रेलवे अफसरों का कहना है कि मालगाड़ी यार्ड में खड़ी हुई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हालात विकट हो गए हैं, जरूरत पड़ी तो रेमडेसिविर इंजेक्शन हेलीकॉप्टर से जिलों में पहुंचाएंगे। शिवराज ने कहा कि अब प्रदेश में मास्क को लेकर ज्यादा सख्ती की जाएगी। रीवा के कलेक्ट्रेट कार्यालय में आज जिला क्राइसिस समिति के द्वारा आपदा प्रबंधन की बैठक आयोजित की गई, जिसमें रीवा जिले को 10 दिनों तक लॉक किए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत रीवा जिले की तमाम दुकानें बंद रहेंगी और आवश्यक सामग्रियों पर छूट दी गई है। बैठक में मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल और रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा सहित कई लोग मौजूद थे। मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण बेकाबू हो गया है। यहां संक्रमितों के साथ ही मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस विधायकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हमारी सांसें बचाने की गुहार भी लगाई। पूर्व मंत्री और विधायक जीतू पटवारी, विधायक कृणाल चौधरी अपने कंधे पर ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर मिंटो हॉल परिसर में पहुंचे। यहां गांधी प्रतिमा के सामने विधायक सिलेंडर लेकर धरने पर बैठ गए। होटल द ग्रैंड पैलेस, बनाए अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ शादी समारोह व पार्टियों को खास बनाने के लिए मनमोहक साज सज्जा के साथ
स्वादिष्ट खाने का जायका लीजिए हमारे प्योर वेज केटरिंग के साथ। शॉल पार्किंग एरिया, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है होटल द ग्रैंड पैलेस, साई वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश।